सत श्रीकाल, मैं हाँ डॉक्टर जिंदर सिंह। पंजाब टुडे देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। वड्डी खबर सुप्रीम कोर्ट तो सामने आ रही है, जिथे कि जम्मू कश्मीर में विशेष राज का दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को अज सुप्रीम कोर्ट के पांच मैंबरी जजा के बेंच के वालों भी बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई हेठले इस पांच मैंबरी बेंच ने यह भी कहा है कि अगले साल जम्मू कश्मीर के सितंबर महीने तक विधानसभा दी चोणां कराउण दे लई भी कदम चुके जाण। फैसला सुनाते हुए यह भी कहा गया कि संविधान की धारा 370 स्थाई व्यवस्था थी, राष्ट्रपति को इस रद्द करने का अधिकार है। सिखरली अदालत ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जम्मू कश्मीर तो वक्त करने के अगस्त 2019 के फैसले की वैधता भी बरकरार रखा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुराने राज की देश के दूजे राज्यों के उल्ट अंदरूनी प्रभुसत्ता नहीं सी। उन्होंने कहा है कि धारा 370 जिसनों 5 अगस्त 2019 रद्द किया गया सी, राज्य युद्ध की स्थिति कारण एक अंतरिम व्यवस्था सी। जज ने कहा है कि रियासत भारत का अभिन्न अंग बन गई है, यह धारा 1 ते 370 तो स्पष्ट है। तुम दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के उपबंधा रद्द करने चुनौती देने वाली पटिशनों के बेंच से 16 दिन की सुनवाई तो बाद 5 सितंबर इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मौके उन्होंने भी कहा कि हुण भारतीय संविधान के सारे प्रबंध जम्मू कश्मीर से लागू किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वालों सुनाए गए अज इस फैसले तो बाद देश भर के मुद्दा इस वे जोरों शोरों भखया होया है। इस लैके वक्त प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कई लोग मोदी सरकार की शलाघा कर रहे हैं, विरोधी धिर वालों इसके सवाल भी चुके जा रहे हैं।